सर एक नई जिम्मेवारी मिली है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं जो एज ए डीजीपी आपको परफॉर्म करना है इसके लिए? चुनौती अवसर दोनों ही हैं, और प्रदेश में प्रदेश की पुलिसिंग शायद देश में सबसे अच्छी, जिसको आप रिजल्ट आउटकम से देख सकते हैं, सबसे पीसफुल और सबसे बाकी भी पैरामीटर्स में और नेशनल लेवल पे भी जहाँ जहाँ असेसमेंट की जाती है स्टेट्स की परफॉर्मेंस, वहाँ ज़्यादातर नंबर एक, नंबर दो या नंबर तीन पे ही हिमाचल हर एक अलग अलग क्राइम के क्षेत्र में माना जाता है। उसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाना और जो नए इमर्जिंग क्राइम्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। सर पहले शांतिपूर्ण प्रदेश माना जाता है हिमाचल, लेकिन हाल ही के दिनों में इस तरीके की घटनाएं हुई है, लड़कियों पर खासकर दरार से हमला हो रहा है या इस तरीके की घटनाएं बढ़ी हैं, उससे निपटना कितनी बड़ी चुनौती है इसकी जो लॉ एंड ऑर्डर? लॉ एंड ऑर्डर तो अभी भी बहुत अच्छा है, मुझे नहीं लगता है कि रिसेंट टाइम्स में भी कोई चेंज हुआ है, हमेशा से अच्छा रहा, अभी भी अच्छा रहा है। कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, स्ट्रे इंटरपर्सनल इंसिडेंट जो हुआ है वो उम्मीद करते हैं कि मैं रिव्यू करूंगा और उसमें अच्छा से अच्छा इन्वेस्टिगेशन हो ताकि सजा हो सके। नशा जो है सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है प्रदेश में, युवा जो है नशे की तरफ जा रहा है, इसके लिए क्या योजना है, क्या जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे प्रदेश में ताकि नशे के ऊपर रोकथाम लगाई जा सके? मैं यहाँ पोस्टिंग के पहले CID में था और जो नारकोटिक्स विंग स्टेट लेवल का है वो CID में है, और उसके लिए हमने प्लान एक बनाया है काफ़ी डिटेल्ड और फेज बाय फेज इम्प्लीमेंट करने का कोशिश रहेगा। हमारा फोकस डिमांड साइड रहेगा, जब तक डिमांड कम नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम को पूरी तरह पकड़ में लाना मुश्किल होगा। तो डिमांड कम करने के लिए कई तरह की उसमें पहल की जाएगी, और छोटे से स्कूल टाइम से लेके बच्चों का से लेके ट्रेनिंग, काउंसलर्स की ट्रेनिंग, डी एडिक्शन सेंटर्स बेटर हों और स्टिग्मा नहीं हो, बहुत लोग नहीं बताते हैं, ये भी एग्जामिन करेंगे कि इन पेशेंट की जगह आउट पेशेंट ट्रीटमेंट से अगर हो सके डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करना, और कुछ और ऑर्गेनाइजेशन है जो सामने नहीं आते, पीछे से बहुत अच्छा काम करते हैं, तो उनका इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको इन्वॉल्व करके इसको काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दे के करना होगा। शायद प्रदेश में क्राइम के हिसाब से सबसे बड़ा इशू है। इसमें तीनों ही चीज़ है, आपको डिमांड सप्लाई में के लिए इन्फोर्समेंट करना, बेसिकली केस करना, पकड़ना, और तीसरा ट्रीटमेंट, ये तीनों मिलके ही चलेगा, और ये तीनों उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ट्रीटमेंट भी इम्पॉर्टेंट है ताकि वो वापस नहीं आए। सर इन दिनों और इसके अलावा एक और पॉइंट में उन साइलेंट मैं भी कर लूँ आप भी कर लें, और ये तीनों मिलके ही स्ट्रैटेजी होगी, ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, और बाकी आप लोग इस पे वर्क। हमारी फोर्स सारी जगह तैनात है, चाहे वो हमारे जो प्रवेश द्वार हैं या कहीं से भी, उसके बावजूद भी नशा पहुंच रहा है, तो क्या लगता है कि किस स्तर पे खामियां पहले रही हैं, अब क्या करने की जरूरत है? तो मैं लगभग आपको बता ही दिया हूँ, जब तक डिमांड रहेगा तो सप्लाई कहीं कहीं से आ जाएगा, हर जगह पुलिस मौजूद तो हो नहीं सकती है ना, मुझे एक्जैक्ट तो नहीं मालूम है लेकिन 1000 किलोमीटर से काफ़ी ज़्यादा ही बॉर्डर हमारा होगा, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर तो है कि हर जगह BSF ITBP होगी, लोगों का आदान आना जाना, खेत हैं, खेत का एक पार्ट इधर है एक पार्ट उधर है, तो ये तीनों चीज़ मिलके हमको करना होगा। आज सर लोकसभा का चुनाव चल रहा है, किस तरह की व्यवस्था रहेगी, राजनीति का दौर भी है, तो क्या सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए?
महामहिम राष्ट्रपति मैडम का पहले भी प्रोग्राम हुआ है और उसी लाइंस पे पूरी व्यवस्था हो गई है और पहले की तरह इस बार भी सुचारू रूप से हमारे एसपी और अन्य ऑफिसर्स जो लगे हुए हैं कर लें। सर माल रोड और रिज मैदान पर भी उनके घूमने का कार्यक्रम है, क्या आम लोगों के लिए बंद रखा जाएगा उस दिन जिस दिन वो घूमेंगे या फिर उनके लिए खुला रखा जाएगा, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अव्यवस्था हो जाती है, लोग बड़ा परेशान होते हैं क्योंकि पूरे बंद कर दिया जाता है। ये डिसीजन सिक्योरिटी असेसमेंट और इसमें कई एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, सेंटर के भी स्टेट के भी, उसके बाद ही लिया जाता है। सर इन दिनों हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के साथ काफी ज्यादा दुर्घटनाएं पेश आ रही हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई खास कदम आप ले रहे हैं? मैं तो हिमाचल को सबसे सुरक्षित स्टेट ही मानता हूँ और महिलाओं के लिए भी, जो भी स्ट्रे इंसिडेंट्स हुए हैं उसको स्ट्रांगली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और सजा दिलाने का फुल प्रयास किया जाएगा। मैं छोटा सा चीज़ बोलूँगा, शायद पूरे देश में आप ध्यान दीजिएगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो बसें हैं, घर से निकल के माल रोड लड़कियाँ क्लास सिक्स क्लास सेवन की शिमला में जाती हैं, आप दूसरा कोई प्रदेश बता दें जहाँ सेफली पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लड़कियाँ जा सकती हैं। तो दिस इज़ अ मैटर ऑफ आवर प्राइड, सो हिमाचल इज़ वेरी सेफ फॉर गर्ल्स। जो स्टे इंसिडेंट्स हुई हैं उस पर वी हैव टू टेक इट अप सीरियसली सो दैट वी रिमेन द बेस्ट। सर पिछले कुछ सालों से सर ऐसा देखने वाला है कि जो युवाओं में है या दूसरे लोगों में भी आत्महत्या के जो है प्रवृत्ति बढ़ी है, मामले ज़्यादा आ रहे हैं, इसके कारणों की जांच की जाएगी और जागरूक किया जाएगा अभिभावकों को भी और कम्युनिटी पुलिस के जरिए, इस तरह का कोई प्लान होगा सर? सॉरी रिपीट कीजिए। सुसाइड के केस बढ़े हैं सर युवाओं में, खासकर पिछले कुछ सालों से बहुत सारे बढ़े हैं, तो क्या कम्युनिटी पुलिस या फिर लोगों को जागरूक किया जाएगा इसके बारे में, अभिभावकों को जोड़ा जाएगा इसके साथ, ताकि जो आत्महत्याओं के मामले हैं सर वो? मैं इसको एग्जामिन करना चाहूँगा, एक तो पहला चीज़ डेटा, दूसरा चीज़ कि क्या ये ड्रग्स या किसी और चीज़ से रिलेटेड है कि नहीं। मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट इशू है, मैं खुद एज अ डॉक्टर काम किया हुआ हूँ और उसको शायद इंडिया में उतना सीरियसली नहीं लिया जाता है, स्टिग्मा भी है, बट ये इशू ज़्यादा हेल्थ केयर से रिलेटेड। सर अभी आपने नए तरह के उभरते अपराधों के बारे में कहा कि उस पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, तो बीते दिनों में आपने देखा है कि हिमाचल प्रदेश में जो ऑनलाइन फ्रॉड है और ऑनलाइन जिस तरह की चीज़ें हो रही है उस पर कुछ फोकस आपका विषय रहेगा? ड्रग्स के बाद मुझे लगता है कि साइबर क्राइम पे हमें, क्योंकि फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज्ड गैंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है या नहीं के बराबर है, तो साइबर क्राइम में रहेगा। ज़्यादातर ये क्राइम जो है विक्टिम हमारे यहाँ हैं, क्राइम करने वाले बाहर से हैं, संख्या बहुत ज़्यादा है, एग्जैक्ट तो नहीं आपको बता पाऊँगा, अप्रॉक्सीमेटली 60,000 कंप्लेंट आ रहे हैं साल में, जिसमें से कोई 20-22,000 को हम जो नंबर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला उसके माध्यम से हम उसको यूज़ कर रहे हैं क्या, तो और बाकी फिर हम कुछ केस रजिस्टर कर रहे हैं, तो उसमें ध्यान देना ज़रूरी है और संख्या बहुत ज़्यादा है, लोगों का काफ़ी लॉस हो रहा है। हिमाचल की ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है, जैसे शिमला आ रहे हैं आपको बोल देते हैं, तो आप तो बोल चुके हैं, आप भी बोल चुकी हैं, बाकी फिर से कुछ बोल ही चुकी हैं। ट्रैफिक का इशू तो बहुत बड़ा ही है, ट्रैफिक क्या? ट्रैफिक का देखिए कॉम्प्लेक्स इशू है, ठीक है ना, एक तो है रोड का साइज, ठीक है, कई जगह बढ़ाए नहीं जा सकते हैं, शिमला में आप कैसे बढ़ाएंगे, बिल्डिंग तोड़ के बढ़ाएंगे कैसे बढ़ाएंगे, और डिसीजंस जो है रोड इंजीनियरिंग हम पुलिसिंग इशू नहीं है, PWD या वो देखते हैं, और गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, बढ़ेगी क्योंकि प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी तो गाड़ियाँ भी बढ़ेंगी। जहाँ तक पुलिसिंग का सवाल है, हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं मैन पावर, और हर चीज़ मैन पावर से नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर 4 लेन की ज़रूरत है और जगह भी नहीं है, तो 2 लेन में आप मैन पावर बढ़ा के भी बहुत कुछ नहीं कर सकते, पार्किंग के इश्यूज़ हैं, वो भी अर्बन डेवलपमेंट या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये लोग बनाते हैं, सो पुलिसिंग सिर्फ एक पार्ट है और हम प्रयास जितना है लिमिटेड वे में उसमें जरूर करें।